तो गाइज फाइनली अपनी टिकट आ चुकी है और यहाँ से अभी हम एंटर करेंगे। रेलवे स्टेशन सुंबड़ आ चुके हैं, लेकिन आप सबको बता दूं कि टनल में इतनी ज़्यादा धूल थी। पहली ट्रेन की हम बात करें, पहली जो है 7:25 पे संगदा रेलवे स्टेशन से निकलती है बारामुल्ला के लिए। गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन संगलदान की ओर, क्योंकि 7:25 पे मेरी ट्रेन है और उससे पहले मैंने संगलदान में पहुँचना है। और आज की वीडियो में आप सबको रेलवे स्टेशन संगलदान से बारामुल्ला की सैर करवाने वाला हूँ। और आप सबको ये भी बता दूँ कि जब कभी भी आप रामबन से संगलदान रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले हो तो का रूट कौन सा रहने वाला है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न और यहाँ से हमारा असली मेन ट्रैक शुरू होता है। वह जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और वैसे वैसे रोशनी होती जा रही है, और होप कि जब तक मैं रेलवे स्टेशन संगलदान में पहुँचूँ तब तक पूरी की पूरी धूप हो जाए। इस लोकेशन का सबसे गंदा वाला रूट यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्या हुआ, ठीक है, रुक गया भाई, रोड ठीक है आगे? ये चेक करो कैसा रोड है भाई, आगे पहले चेक करेंगे रोड कैसा है। बाइक तो निकली जाएगी, वहाँ की बाइक निकल सकती है यहाँ से आई जी। पता नहीं उस्ताद जी आगे क्या देखने के, रोड स्लाइड होता है यहाँ पे।
गाइस अभी यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए, कि ज़्यादा ठंड में आगे गाड़ी बिगाई भी नहीं जा रही है। गाइस यहाँ से शुरू हो रहा है सोलाकोट पावर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट हो सके तो मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगा। कोट रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है और मैं कोशिश करूँगा इससे आगे दूसरी वीडियो लेके आऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनके मोड़ काटने वाला हूँ। लास्ट मोड़ धर्मकुंड और उसके बाद ब्रिज देखने को मिलेगा जो कि चनाब ब्रिज पे है, और चनाब ब्रिज क्रॉस करके वह सकलदान वाली साइड हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। संगलदान मार्केट के अंदर मैं एंट्री हो चुका हूँ, चेक कर सुबह सुबह के आगे विजुअल्स, और यहाँ से ऊपर आकर को रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये है संगलदान मेन स्टॉप और यहाँ पे ट्रेन देखने को मिलेगी। पहले दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, लेकिन अभी सुबह सुबह यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है, सिंगल सिंगल व्हीकल्स हैं। अभी हैं मेरे पास 10 मिनट और 10 मिनट में आप सबको इंट्रो करवा के यहाँ से बारामूला की ओर जाने वाला हूँ। तो गाइस सुबह की वाइब और मेरे सामने रेलवे स्टेशन संगलदान, और ये चेक करो गाइस रेलवे स्टेशन संगलदान कितना प्यारा लग रहा है। अभी करीब 7:15 हो चुका है टाइम, और यहाँ से ये चेक करो गाइस रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है, वहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है। वेलकम बैनर्स लगा हुआ है यहाँ पे, आप सबको देखने को मिलेगा। ये चेक करो गाइस 20 फरवरी 2024 के दिन श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रीन फ्लैग होस्ट करा था पहली सर्विस ट्रेन को, और ये चेक करो जिसमें से 48 किलोमीटर का ट्रैक बन के कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं आज को रेलवे स्टेशन संगलदान, और काफ़ी लोगों का सपना था कि कटरा से बनिहाल रेलवे कनेक्टिविटी कम्प्लीट हो जाए, दिल्ली टू कश्मीर ट्रेन चले। तो गाइज फाइनली
काफी समय पहले से USBRL प्रोजेक्ट इस वर्क पे काम करते जा रहा था। टोटल 111 किलोमीटर का ट्रैक था जिसमें से 48 किलोमीटर का ट्रैक बनके कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 62 किलोमीटर का ट्रैक पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए है कि सावलाकोट और उसके साथ में बक्कल रेलवे स्टेशन, दुगा रेलवे स्टेशन और T1 टनल से ये अपडेट आ रहा है कि थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। संगलदान रेलवे स्टेशन से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जो ट्रैक था उसे कम्प्लीट करा है और फाइनली यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस चालू कर दी गई है। और यहाँ से आगे हम एंटर करने वाले हैं रेलवे स्टेशन की ओर। ये बैनर आप सबको दिखाना चाहूंगा मैं, ये चेक करो गाइस। बनिहाल खड़ी सुम्बड़ संगलदान सेक्शन के बीच नई लाइन। अभी मैं यहाँ पे टिकट कटवाने आया और मुझे पता चल रहा है कि 5-10 मिनट पहले यहाँ पे ट्रेन चली गई है। ये चेक करो गाइस, ट्रेन की टाइमिंग सुबह 7:25 पे बारामलकी और जाती है, और जो दूसरा टाइम है 2:20 पे, यानी कि दोपहर के टाइम PM यहाँ से ट्रेन बारामलकी और जाती है। आप सब ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी जिसमें काफ़ी क्राउड था यहाँ पे, लेकिन आज सुबह सुबह पता ही नहीं चला, 2-3 हॉर्न मार के ट्रेन यहाँ से निकल भी गई, पता ही नहीं चला मैं यहाँ पे। और आज के दिन देखो सुबह कोई नहीं यहाँ पे, जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे चले गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरने वाले पैसेंजर होते हैं जो श्रीनगर से यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे उतरते हैं। लेकिन अगर आप सब ने यहाँ से श्रीनगर की ओर जाना है तो गाइस ये चेक करो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो गाइस फाइनली ट्रेन तो छूट गई भाई, बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि सुबह 6 का अलार्म रखा था और 6 उठने के बाद सुबह ठंड में आया। आप सबने ब्लॉग में पूरा का पूरा देखा होगा, कमेंट करके बताओ कि अभी नेक्स्ट में क्या करूं, यहां से वापस घर जाऊं या फिर 2 का ट्रेन का वेट करूं। गाइस मैं सोच रहा हूं कि मैं इतने दूर आ ही चुका हूं तो यहां से पूरा का पूरा आप सबको अपडेट करके जाऊं। तो गाइस सच बोलूं तो एक हिसाब से अच्छा हुआ ट्रेन छूट गई, क्योंकि आप सबको इतना अच्छे से मैं ना प्लेटफॉर्म बता पाता तो ना ही मैं स्टेशन बिल्डिंग बता सकता। और अभी मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, वो लास्ट से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में। पहले मैंने सोचा था आते ही आप सबको बारामूला की ओर लेके जाऊँ, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, अभी मैं धीरे धीरे, मेरे पास बहुत सारा टाइम, बस मेरा कैमरा चार्ज होना चाहिए। तो गाइस आप सबको मैं थोड़ा दूर से बताने वाला हूँ, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, ऐसे तो आप सबको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा जूम करके बताने वाला हूँ। ये चेक करो, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये चेक करो गाइस सुबह के क्या विजुअल्स हैं यहाँ पे। ये है यहाँ की स्टेशन बिल्डिंग, यहाँ से टनल शुरू होता है, आई थिंक टनल नंबर 43 होना है शायद, अगर आप सबको पता होगा कंफर्म तो प्लीज़ मेरे को कंफर्म करके बता देना, क्योंकि इस सीरीज़ में एक टनल बढ़ चुका है, या फिर ये 43 होना है या 42। मुझे लगता है ये वाला जो आप लास्ट देख पा रहे होंगे ये है 42, ये वाला है 43। अगर आप सबको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये 42 है या फिर 43, ये वाला बताना। तो यहाँ पे सिग्नल पोल्स, और ये चेक करोगा ये काफ़ी, ये देख लो काफ़ी ऊँचा ये, और ये भी पहले ऊंचा हुआ करता था, लेकिन ये चेक करो गाइस यहाँ पे कटिंग से कितना प्लान कर रखा है और कितना यहाँ पे प्रोजेक्ट ने काम करा है भाई, यहाँ से पता चलता है कि इसने प्रोजेक्ट ने कितना काम करा। तो गाइस आप सबने बहुत सारे ट्रैक्स देखे होंगे इंडियन रेलवे में जो कि ब्लास्ट के बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट होते हैं, लेकिन ये वाला जो आप ट्रैक देख पा रहे होंगे ये अपने आप में खास है। खास इसलिए है कि यहाँ पे जो ट्रैक देखने को मिल रहा है वो BLT ट्रैक है, यानी कि ब्लास्ट लेस ट्रैक। यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लास्ट यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही स्टोन यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं TCL लेयर, यानी कि ट्रैक कॉन्क्रीट लेयर। साथ में आप सबको 600 मीटर पे बूटेड ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। गाइस फाइनली 2 ट्रैवल करने के बाद और 6 वेट करने के बाद अभी बज रहे हैं 1:30 और 15 में यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, क्योंकि 45 पे यहाँ पे ट्रेन आ जाती है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं, सुबह तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी के आप क्लिप चेक करो भाई, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स आ चुके हैं। तो गाइस जैसे जैसे 2 को आ रहे हैं और वैसे वैसे यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, ये चेक करो गाइस, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं बड़े बड़े लैगेज उठा के, और यहाँ पे ये चेक करो गाइस अपनी RC। गाइस मेरा सफ़र शुरू होता है यहाँ से, और मैंने सुना था यहाँ पे 29 फरवरी तक
टिकट के बिना आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। पता नहीं कहाँ से आगे भाई, अचानक से भाई, सुबह कोई भी नहीं था यहाँ पे। गाइस अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे टिकट काउंटर, मेरे बैग सेट ऑफ दे फर में यहाँ पे टिकट वगैरह काट रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से टिकट लेने वाला हूँ, तो टिकट लेने के बाद आप सबको बताने वाला हूँ कि यहाँ से अभी बारामूला तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि बारामूला यहाँ पे रात को 6:00 पे ट्रेन पहुँचने वाली। कोशिश करूँगा अनंतनाग तक जाने की, तो अनंतनाग तक मेरा सफ़र रहने वाला है, तो यहाँ से करता हूँ मैं शुरुआत। तो गाइस फाइनली अपनी टिकट आ चुकी है और यहाँ से अभी हम एंटर करेंगे। गाइस मैं सुबह आया था, सुबह यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन अब चेक करो गाइस धीरे धीरे यहाँ पे क्राउड इकट्ठा होते जा रहा है। मैंने जैसे सुबह आप सबको बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सारे के सारे पैसेंजर्स मिलेंगे जो कि संगलदान से बारामूला की ओर जाने वाले हैं, सारे के सारे पैसेंजर्स इस ओर मिलने वाले हैं। तो ये चेक करो गाइस, नया नया रेलवे स्टेशन है, सारे के सारे बंदे यहाँ पे, कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:45, यानी कि जो इसका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेन आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँची है, क्योंकि आने का टाइम है 1:45 और जाने का है 2:20। और जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्राउड भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ के एक यूट्यूबर जिनका यूट्यूब चैनल है सागर कंस्ट्रक्शन, तो डेली व्लॉग्स इनके भी चैनल पे आते रहते हैं संगलदान से बारामूला या फिर बारामूला से संगलदान, रेल यात्रा चलती जा रही है, ट्रेन सर्विस। आज मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आया हूँ, लेकिन जो सागर जी हैं वो यहाँ पे पहले भी व्लॉग बना चुके हैं। 20 PM पे यहाँ से निकलती है दूसरी ट्रेन, और पहली ट्रेन की हम बात करें, पहली जो है 7:25 पे संगलदान रेलवे स्टेशन से निकलती है बारामूला के लिए। अच्छा, और यहाँ से अभी दो ही ट्रेनें डेली जाती हैं, और भी संडे को यहाँ से ट्रेन नहीं जाती है, क्योंकि संडे को एक ही ट्रेन होती है 2:20 पे। बाकी वहाँ से जो अभी आने वाली ट्रेन है वो बारामूला से निकलेगी, और यहाँ पे संगलदान रेलवे स्टेशन पे जो है वो 6:55 पे यहाँ पे पहुँचती है। तो अभी आप मुझे लाइव टाइम बता सकते हो कि अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम जो हो रहा है 1:54 हो रहा है। 1:54, और कितने मिनट में अभी ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है? भाई देखो, अभी ये जो सिग्नल वगैरह है ऐप वगैरह पे इंस्टॉल नहीं है, अभी जो भानाल से यहाँ के बीच में संगलदान के बीच में अभी इसमें डिले भी होता है, कभी क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो इसकी वजह। अच्छा, तो ऐसे जनरली टाइम क्या रहता है इसका? यहाँ पर जो टाइम रहता है 1:55 रहता है। 1:55 जी। तो गाइज अभी हम वेट करते हैं, आज आप सबको पता चलने वाला है कि यहाँ पे ट्रेन 10 बजे पहुँचने वाली है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। गाइज टाइम हो रहा है 1:58, और फाइनली यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है वो अपोजिट है, यहाँ से सारे के सारे विजुअल्स दिखाने वाला हूँ। तो गाइज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैं पहुँच चुका हूँ, और फाइनली DMU ट्रेन मेरे सामने आ चुकी है। अभी मैं आप सबको बैक कैमरा से बताने वाला हूँ। तो गाइज फाइनली 1:59, यानी कि 1:02 पे यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, काफ़ी धीमी। और ये चेक करो गाइस यहाँ का क्राउड, सुबह यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन अभी आप इस टाइम देख पा रहे होंगे कितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं। और ये सारे के सारे पैसेंजर्स, कोई श्रीनगर की ओर, कोई बारामूला, कोई अनंतनाग रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले हैं। फर्स्ट लेग गाइस बारामूला से संगलदान की ओर सारे के सारे पैसेंजर्स यहां पे आ चुके हैं। तो गाइस अभी सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और यहां से सबसे पहले सीट पकड़नी है। जमो 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 तो गाइस फाइनली सीट तो मिल गई, पहली वाली सीट मिली भाई ओपनर। और यहाँ से ये चेक करो गाइस, तो गाइस टाइम हो रहा है
220 और यहाँ से बराबर 220 पे ट्रेन निकल चुकी है। चलो चलो बोलता है कि सीट है जो फाइनली सुंबड़ रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। क्योंकि एक टाइम वो था जब मैं यहाँ पे व्लॉग बनाया करता था, आप सबको बताया करता था कि यहाँ पे इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। आज मैं यहाँ पे ट्रेन में हूँ और काफ़ी खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि अभी मैं थोड़े रॉन्ग साइड हूँ क्योंकि स्टेशन बिल्डिंग दूसरी ओर है। तो गाइस फाइनली अभी रेलवे स्टेशन सुंबड़ आ चुके हैं, लेकिन आप सबको बता दूँ कि टनल में इतनी ज़्यादा धूल थी, कपड़े पूरे के पूरे ख़राब हो गए हैं और मेरे नहीं यहाँ पे सबके ख़राब हो गए हैं। चेक करो रेलवे स्टेशन सुंबड़, और भाई जितने भी लोग थे इसमें सबके कपड़े ख़राब हो गए, भाई सबकी हालात ख़राब हो गए, मेरे पूरे के पूरे कपड़े ख़राब हो गए। ये चेक करो गाइस, एक दो मिनट का यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ से फिर से हमें खड़ी रेलवे स्टेशन की ओर जाना है। चलना नहीं है? मैं चला करो नीचे सुंबड़ मार्केट, और ये साथ में आगे बजमस्ता, और यहाँ से शुरू होता है ब्रिज नंबर 3, और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल में अभी हम जा चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सजाया था यहाँ पे, ये चेक करो। में हम इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल टनल में चलते जा रहे हैं और कुछ ही समय में खड़ी रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो गाइस अभी मैं यहाँ से आप सबको खड़ी रेलवे स्टेशन आने वाला हूँ, और ये चेक करो यहाँ पे समाप्त हुआ इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल T50 टनल, ये चेक करो। तो गाइस जैसे जैसे खड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचते जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन अपनी वैसे वैसे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इन टनल्स में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, इनकी वजह से पूरे के पूरे ट्रेन के डिब्बे के अंदर पूरी की पूरी डस्ट आ चुकी है। DMU ट्रेन खड़ी रेलवे स्टेशन को अप्रोच करते हुए, गाइस फाइनली खड़ी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और कुछ पैसेंजर्स हैं जो अभी इसमें फिर से बैठ गए हैं, और कुछ यहाँ पे उतरे और कुछ नए यहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेक करो डस्ट, इतनी ज़्यादा डस्ट है ना यहाँ पे, और ये चेक करो खड़ी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक हुआ यहाँ पे। खड़ी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पे लास्ट बोर्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ से ये चेक करो गाइस हमारा इंडियन फ्लैग यहाँ पे लहराता। इसके बाद जब हम रेलवे स्टेशन बनिहाल पहुंचने वाले हैं, तो बनिहाल का टेम्परेचर यहाँ से 10 डिग्री कम होने वाला है।
गाइस फाइनली हमारी ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन को अप्रोच करती हुई और यहाँ से एक और सफ़र शुरू होता है इससे आगे की ओर। ये रहा बनिहाल रेलवे स्टेशन। ये चेक करो गाइस, सारे के सारे पैसेंजर्स पहले ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ तक जो कंडीशन है भाई पूरी की पूरी ख़राब हो रखी है। ये चेक करो गाइस कितनी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि संगलदान से सुंबड़ रेलवे स्टेशन, फिर खड़ी रेलवे स्टेशन, कुछ लोग उतरे कुछ चढ़े और यहाँ पे अभी काफ़ी मात्रा में लोग फिर से इस ट्रेन में आ चुके हैं और यहाँ से फिर से हमारा सफ़र शुरू होता है। तो गाइस फाइनली यहाँ से भी बढ़ चुके हैं हम बारामूला की ओर और ये एक लास्ट रेलवे स्टेशन था पहले का, बारामूला से बनिहाल लास्ट रेलवे स्टेशन था और इसके साथ तीन रेलवे स्टेशन और जोड़ दिए गए हैं, पहला खड़ी, दूसरा सुंबड़ और तीसरा संगलदान। आने वाले टाइम इससे आगे भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन पेंडिंग हैं, सोलाकोट, बक्कल, दुग्गा, रियासी, फिर कटरा, अभी भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन पेंडिंग हैं, साथ साथ में नेशनल हाईवे। गाइस 1 2 3 फिर से टनल यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो सबसे ज्यादा मजा इस टनल में आया क्योंकि ये वाला जो टनल था एकदम सीधा था, बाकी के जो टनल हैं वो थोड़े कर्व में हैं और फाइनली इधर शाहबाद ये कौन है, इतने बंदे कहाँ पे बैठने हैं, ये नहीं जाने वाले, ये नहीं जाएंगे भाई। पिलर शाहबाद में पूरे के पूरे स्पेस फुल हो गई है और कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए। हेलो कर हेलो हिलर बाद। तो गाइस बनिहाल के बाद हिलर रेलवे स्टेशन और अभी जस्ट हिलर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर दिया है और इससे आगे काजीगुंड रेलवे स्टेशन की ओर इसे बढ़ चुके हैं। और सच बोलूं गाइस बनिहाल से इस साइड का मौसम पूरा का पूरा चेंज है भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है। काजीकुंड है गाइस फाइनली काजीकुंड रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, मेरे सामने की ओर आप देख पा रहे काजीकुंड रेलवे स्टेशन। और सच बोलूं तो बनिहाल से इस और पूरा का पूरा मौसम ही अलग है भाई। ये वाली जो ट्रेन रुकी है कहाँ के लिए जाएगी, नहीं यार अभी थोड़ा ना जाएगी। गाइस फाइनली काजीगुंड रेलवे स्टेशन, काजीगुंड रेलवे स्टेशन को अप्रोच करती हुई और यहाँ से फिर से आगे और जाने वाले हम काजीगुंड रेलवे स्टेशन से बनिहाल की ओर ये ट्रेन। ये चेक करो गाइस
तो गाइस संगलदान से बनिहाल तक आप सबको 48 किलोमीटर के सेक्शन में से सिर्फ 43 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें टनल्स देखने को मिलेंगे। सच बोलूं तो इतने ज़्यादा टनल्स है बंदा बोर हो जाए। और यहाँ से आगे अगर बात करूँ तो यहाँ से आगे कुछ खास टनल देखने को नहीं मिलते हैं लास्ट बारामूला तक। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये चेक करो गाइस। चाचा सारे के सारे रेलवे स्टेशन बनिहाल से बारामूला के बीच एक जैसा ही दिखने वाले हैं। बोर्ड थोड़ा अलग तरह का देखने को मिलेगा जिसपे रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया होता है। ये चेक करो, शाडूरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाइस शाडूरा रेलवे स्टेशन से अनंतनाग रेलवे स्टेशन की ओर फिर से हम आगे बढ़ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और इससे आगे और ज़्यादा होने वाली है। फाइनली अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं मैं। ये चेक करो मेरे सामने की ओर अनंतनाग रेलवे स्टेशन। फाइनली अनंतनाग रेलवे स्टेशन के ऊपर आ चुका हूं मैं और यहां से मैं कोशिश करूंगा वापस संगलदान वाली ट्रेन पकड़ूं। बस ये चेक करो, ये रही वो ट्रेन जो संगलदान रेलवे स्टेशन से बारामूला की ओर जा रही है। तो गाइस मैं चाहता तो इससे आगे भी आप सबको बता देता कि इससे आगे कितने रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन ये ट्रेन वापस नहीं आई। अब इस ट्रेन को यहाँ पे अलविदा और यहाँ पे इस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आने वाली है जो यहाँ से मुझे वापस संगलदान रेलवे स्टेशन की ओर लेके जाने वाली। अभी मैं हूँ अनंतनाग रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। मैं सच बोलूँ तो बनिहाल रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज है। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं ऐसे रेलवे स्टेशन पे उतरूंगा जहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन वापस ले जाए। तो फाइनली अनंतनाग इज़ द बेस्ट रेलवे स्टेशन। अगर आप कभी भी संगलदान रेलवे स्टेशन से बारामूला जाने वाले हो तो 2 बजे की ट्रेन में आप अनंतनाग रेलवे स्टेशन में वेट करो। वहाँ से संगलदान वाली अभी आने वाली है और ट्रेन से अभी मैं वापस से संगलदान जाने वाला हूँ। तो गाइस अनंतनाग रेलवे स्टेशन से फिर से संगलदान रेलवे स्टेशन की ओर वापस मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आगे फिर से सफ़र शुरू होता है संगलदान रेलवे स्टेशन का। और कमेंट करके बताना कि आप सबको सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कौन सा लगा। तो गाइस फाइनली अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैं फिर से वापस संगलदान रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। तो ये थे कुछ यहाँ के अपडेट्स और यहाँ के विजुअल्स जो कि मैंने आप सबको यहाँ से शुरू करा और इसके बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन थे वो सारे के सारे कवर करे। तो अभी मैं यहाँ से फिर से घर जाने वाला हूँ, अंधेरा हो चुका है। तो आप सबको बता दूँ कि ये ब्लॉग बनाने में मेरे को सुबह से लेकर शाम तक यानी कि एक दिन पूरा का पूरा लगा। यही बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर दिनों में इस ट्रैक पे, इस सेक्शन पे ट्रैवल करना चाहते हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।